आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एग्री कम्युनिटीज त्योहार और तेजी मंदी। एग्री कम्युनिटीज त्योहार तेजी और मंदी में हमारी कोशिश है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए तेल तिलन दालें और ड्राई फ्रूट बाजार में क्या तेजी की संभावनाएं हैं, सरसों सोयाबीन तेल में क्या दिवाली में कारोबारियों की खास दिवाली बनने वाली है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिग बिलिस से उनके परचेज मैनेजर विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बाजार के हाल पर बात करेंगे। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मार्केट टाइम्स टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। विनीत जी, आपसे मेरा सवाल है, कोरोना के लगभग 2 साल होने को हैं, पहली वेव में कारोबार ठप रहे और दूसरी लहर में भी कारोबार ठप ही रहे, जिन्होंने रही सही कसर भी पूरी कर दी, लेकिन शेयर बाजार हो चाहे कमोडिटी मार्केट, सभी में हमने एक तरफा तेजी आते हुए भी देखी। ऐसा क्यों और क्या लगता है, इस साल के त्योहारी सीजन में तेजी बनी रहेगी क्या? अखिलेश जी, निश्चित तौर पे हमने कोरोना की बड़ी मार को कारोबार पर देखा है और डिमांड में कमी देखने को भी मिली है, लेकिन जैसे कोरोना के कहर से देश बाहर आ रहा है, एक बार कारोबारी गतिविधियां फिर से होने लगी है, जिसके साथ ही हमने कारोबार में एक नया जोश देखा है जी। कारोबारी तरीके और नई नई कारोबारी तकनीकें अपॉर्चुनिटी हमें दी जा रही है, जिसके रिफ्लेक्शन हमने कमोडिटी शेयर बाजार में भी देखी है जी। शेयर बाजार 60,000 के पार चला गया कोरोना काल में और कमोडिटी की कीमतों में भी 100% से ज़्यादा उछाल आया है। हमें लगता है कि एग्री कमोडिटी, चाहे वो दालें हों, मसाले हों, खाने के तेल, सरसों हों, सोयाबीन, सूरजमुखी और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सब्जियों की मांग भी बनी रहेगी जी, जिसमें इनकी कीमतों में हमें मंदी नज़र नहीं आ रही जी। तो जैसा कि विनीत जी ने हमें बताया कि इस त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की जो मांग है वो तो निकलती ही नज़र आ रही है, कोरोना के बावजूद कोरोना नहीं रोक पा रहा है त्योहार को मनाने से, और दूसरा सबसे अच्छी बात कारोबारियों के लिए ये निकल के सामने आ रही है कि खरीदारी के साथ साथ कीमतों में भी जो इजाफा है वो देखने को मिला है। हमने खाद्य तेलों की कीमतों में काफ़ी अच्छी तेजी आती हुई देखी है, चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो, चाहे सूर्यमुखी का तेल हो, या फिर खाद्य तेलों के साथ साथ बात करें अगर साग सब्जियों की, तो हमने सब्जियों की कीमतों में भी तेजी आती हुई देखी है। और जैसे कि विनीत जी ने अभी बताया कि त्योहारी सीजन में जो कीमतें हैं वो आगे बनी रह सकती है। विनीत जी, मेरा अगला प्रश्न रहेगा, क्या लगता है, जैसे सरसों तेल 200 रुपये प्रति लीटर के ऊपर बिक चुका है और सरसों की कीमतों में अभी भी तेजी का उबाल हम कहीं ना कहीं सभी लोग घरों में महसूस कर रहे हैं, सरसों और सरसों तेल में तेजी रहेगी, बिग ब्लिस तो सरसों तेल की खरीदारी कर रहा ही होगा। देखिए, बिग ब्लिस तो सभी एग्री कमोडिटी की खरीदारी कर रही है जी, क्योंकि हमें तो एंड यूजर को बेचना है और दिलवाना है जी। बिग ब्लिस जरूरत के हिसाब से इन कमोडिटी को खरीदती है, केवल तेल ही नहीं, ड्राई फ्रूट्स हों, मसाले हों, दालें हों और जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, बिग ब्लिस इन सभी की खरीदारी कर रहा है जी। तो यानी कि रोज़मर्रा के आइटम्स बिग ब्लिस अभी खरीद रहा है और बेच भी रहा है। अगर आप सही माने तो बिग ब्लिस के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमारे चैनल मार्केट टाइम्स टीवी पर ज़्यादातर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो कारोबारी हैं और कम्युनिटीज़ में ट्रेड करने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि क्या बिग ब्लिस इनके लिए फ़ायदेमंद है, और आप हमारे दर्शकों को भी बताइए ये बिग ब्लिस आखिरकार है क्या? देखिए, बिग ब्लिस कमोडिटी में B2B और B2C का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है और दुनिया का एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जिससे हम कोई भी कारोबारी अपना सामान बेचने के लिए लगा सकते हैं और उसके लिए ग्राहक ढूंढने की भी जिम्मेवारी हमारी है जी। अगर मैं बिग ब्लिस को थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करूं जी, तो हम बायर को परचेजर तक पहुंचाते हैं जी। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम बिग ब्लिस अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हैं, अगर मैं वेंडर हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मुझे कुछ बेचनी है, तो मैं बिग ब्लिस के ऊपर रजिस्टर करूंगा,
अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बिग ब्लिस पे लाइव करूंगा जी। उससे जो परचेजर है उनका जो एंड यूजर है वो वहां से चीजें खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा ई कॉमर्स साइट है हमारा कि जो बल्क बायर से भी एंड यूजर तक पहुंचा सकती है चीजें जी। विनीत जी, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं बिग ब्लिस के अंदर जिसको आप एंड यूजर तक पहुंचाते हैं? देखिए, बिग ब्लिस हर चीज की खरीदारी करती है कॉमोडिटी में, जैसे कि चीनी हो गई, दालें हो गई, अनाज हो गए, तेल, मसाले, यहाँ तक कि सब्जियां। यही नहीं, इसके साथ साथ अपनी मोबाइल शॉप, कपड़े की दुकान भी माय बिग ब्लिस पर चला सकते हैं लोग घर बैठे जी। विनीत जी, एक सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने बाकी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स पर देखा है कि पहले वहां पे अपना माल बेचने के लिए एक कंपनी रजिस्टर करनी होती है, तो क्या बिग ब्लिस के लिए ये करना जरूरी है? जी नहीं अखिलेश जी, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि बिग ब्लिस कारोबारी चाहे वो सब्जी की रेडी ही क्यों ना हो, वो अपना रेडी ही अपने हमारे बिग ब्लिस पे, माय बिग ब्लिस पे जी रजिस्टर कर सकते हैं। एक सब्जी की रेडी भी माय बिग ब्लिस पे रजिस्टर कर सकते हैं और हम उनको एक बड़े ओहदे वाले वेंडर के ओहदे में लाकर खड़ा कर सकते हैं। एक ब्रांड, हमारी कोशिश यही है कि छोटे वेंडर को भी एक ब्रांड प्रोवाइड किया जाए जी। क्या इसके लिए आप कोई चार्जेस भी लेते हैं? नहीं, इसके लिए हमारे एप्लीकेशन पे कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बिल्कुल डिलीवरी फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सब्जी वाले एक ठेले वाले के यहाँ ऑर्डर आए, चाहे एक बड़ी दुकान में ऑर्डर आए, हम अपनी जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं जी। विनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जैसा बताया कि दुनिया का पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है माई बिग ब्लिस, जिसके द्वारा लोग घर बैठे बैठे अपना माल बेच सकते हैं, यहाँ तक कि एक रेहड़ी वाला भी बड़े औद्योग के लोगों के साथ अपना कारोबार कर सकता है, वो भी बिना किसी कंपनी बनाए जी। क्या आपकी ये एप्लीकेशन हर राज्य की भाषा में मौजूद है? क्योंकि जो कारोबारी है देश के हर कोने कोने में बैठा है और हर कारोबारी हर भाषा नहीं जानता है जी। हर कारोबारी आप अपनी भाषा में ये एप्लीकेशन को चला सकते हैं, चाहे आप पंजाबी बोल या मराठी हो, तेलुगु हो, गुजराती, किसी भी भाषा में इस ऐप को प्रयोग में लाकर कहीं से भी आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और वो भी बिना किसी खर्च के जी। विनीत जी, ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, यानी अगर मैं या फिर मेरे घर का कोई भी सदस्य कारोबार करना चाहे तो कैसे करें? इसका कुछ नहीं अखिलेश जी, पहले तो प्ले स्टोर पे हमारा माई बिग ब्लिस ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद अपना स्टोर रजिस्टर करें और उसके बाद अपने जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो आप सिंपली उस पर लाइव कर दो जी। जैसे ही आप लाइव करो वो हमारे व्यूअर को दिखेगा, व्यूअर वहां से परचेस कर सकते हैं आपकी चीजों को। विनीत जी, जैसे हम देखते हैं कि ऑर्डर्स मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कभी कभार ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, आपको क्या लगता है बिग ब्लिस इसको कैसे टैकल करेगा? सर, बिग ब्लिस ऑर्डर्स के लिए आपको कस्टमर के पास नहीं जाना है, हम ऑर्डर लाने का काम भी हम करेंगे आपके लिए जी। लेकिन आप ईमानदारी से ग्राहक को सही माल दें, सही सही चीज दें, सही दाम पर दें। आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो तो इसकी बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको कहीं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा इस चीज को बेचने का, आपके प्रोडक्ट को बेचने जी। का तो यानी कि कोई भी घर बैठे बैठे अपना प्रोडक्ट बना सकता है, लाइव कर सकता है, दुकान खोल सकता है, घर से अपनी सेल बढ़ा सकता है, वो भी बिना किसी खर्च के। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी है, लोग घरों से बाहर निकलने में अब थोड़े जाके सतर्क होते होते निकल रहे हैं, एहतियात बरतते हुए निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना के मामले कभी बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं। तो माई बिग ब्लिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिससे आप सेल भी बढ़ा सकते हैं और घर में सेफ और सिक्योर भी रह सकते हैं। विनीत जी, यहाँ से बात करें अगर डिलीवरी की, क्या बिग ब्लिस डिलीवरी की ही तरफ से ही होगी? जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिग ब्लिस ही डिलीवरी प्रोवाइड करेगी। आपको बस करना ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को अपने माई बिग ब्लिस पे अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है, प्रोडक्ट को चढ़ाने हैं, उसको लाइव करने हैं,
और हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा एंड यूज़र को पहुंचाएं। और सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि आपने पूछा डिलीवरी की बात है, तो डिलीवरी हमारी ऑफ कोर्स बिग ब्लिस के तरफ से ही जाएगी और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी। हमारा मोटो ये है कि वो भी 10 से 30 मिनट में हम किसी भी एंड यूज़र तक कुछ सामान पहुँचा दें। विनीत जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं निश्चित तौर पर अपने जानने वालों और अपनी जान पहचान में जो लोग दुकान कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सभी को माइक बिग ब्लिस के बारे में जरूर बताऊंगा। अखिलेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी के पास कोई माल है और उसे बेचना चाहते हैं तो एक बार हमें हमसे संपर्क करें। हमारी कोशिश यही रहेगी उनके सामान को बिकवाने की। अगर आपका कोई भी ब्रांड है तो आप बिग ब्लिस को संपर्क करें, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जी, तो यानी कि अगर आपकी कोई भी ब्रांड है तो आप बिग ब्लिस को जरूर संपर्क करें, या फिर आप अपना माल बेचना चाहते हैं तो आपको ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं है। माय बिग ब्लिस आपके लिए ग्राहक ढूंढने का जिम्मेदारी उठाएगा और आपको ग्राहक ढूंढ के ला के देगा और आपकी बिक्री भी बढ़वाएगा। अगर आपका ब्रांड है तेल, चीनी, दाल, सब्जी, दही, मसाले और दूसरे किसी FMCG प्रोडक्ट में डील करते हैं तो बिग ब्लिस को आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और विनीत जी को भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी बिक्री बढ़ती है तो मार्केट टाइम्स TV को इसमें ज़्यादा खुशी होगी। नंबर और डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। हाँ विनीत जी, चलते चलते एक बार फिर से कम्युनिटीज पर बात कर लेते हैं। क्या लगता है, खाद्य तेलों में तेजी आएगी क्या? देखिए, मांग बनी हुई है और त्योहारी सीजन में अच्छी मांग बनी रहेगी। सरकार भी चाहती है कि किसानों के उनकी फसल की सही कीमत मिले, तो हमें लगता है कि खाद्य तेलों में हल्की तेजी बनी रहेगी। जी, तो जैसा कि विनीत जी ने बताया कि खाद्य तेलों में त्योहारी सीजन के चलते और त्योहारी सीजन की तरफ से जो मांग निकल के सामने आ रही है उसके चलते खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं तेजी की ओर ही रहेंगी, और सरकार भी यही चाहती है कि जो किसान हैं उनको उनकी फसल के अच्छे दाम मिले। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी मार्केट टाइम्स TV को समय देने के लिए और देश के लिए कारोबारियों को माइक बिग ब्लिस प्लेटफॉर्म जैसे देने के लिए। आप भी अपनी वर्चुअल दुकान चलाना चाहते हैं वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो तुरंत डाउनलोड करें माइक बिग ब्लिस ऐप, क्योंकि यह है खुशियों की अपनी दुकान।